Okay, let's start a new chapter, rational numbers. First of all, definition of rational numbers. Rational numbers क्या होते हैं? हमने fractions के बारे में पढ़ा था. Fractions दो numbers होते हैं जो p upon q की form में होते हैं. Right? पहले मैं fractions की definition आपको एक बार फिर clear कर दूँ. Fractions वो होते हैं जो p upon q की form में होते हैं, जहाँ पर q not equal to zero होता है. Q means denominator. Not equal to zero and p q जो है वो दोनों आपके natural numbers होते हैं, right? Natural numbers होते हैं. Q आपका zero नहीं हो सकता इसमें, क्योंकि denominator कभी zero नहीं होता, right? और जो definition है इनकी उसमें दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है. फ्रैक्शंस में जो p एंड q होते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं. नेचुरल नंबर्स कौन से? नेचुरल नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, राइट? और रैशनल नंबर्स में वो नंबर्स होते हैं जो p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं. मीन्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर पर कितना होता है कि यहाँ पर p एंड q वो नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं, वो इंटीजर्स होते हैं. व्हाट आर इंटीजर्स? इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स, ये सब इंक्लूड हो जाते हैं, राइट? तो रैशनल नंबर और फ्रैक्शंस में एक बहुत बड़ा फर्क है कि जो पी एंड क्यू मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होते हैं वो रैशनल नंबर्स में इंटीजर्स होते हैं, एंड इन केस ऑफ फ्रैक्शंस वो नेचुरल नंबर्स होते हैं. अदरवाइज द डेफिनेशन इज सेम, राइट? तो हम फ्रैक्शंस की डेफिनेशन देख लेते हैं. रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन देख रहे थे. तो रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू. द नंबर्स इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, देयर पी एंड क्यू are integers and q is not equal to zero. कभी भी denominator zero नहीं होता, ये हमेशा याद रखने वाली बात है कि denominator कभी भी zero नहीं होता है. Integers हम पढ़ चुके हैं. Integers negative numbers भी शामिल होते हैं इसमें, positive numbers भी, and of course zero. अब हमारे पास है positive rational numbers. पॉजिटिव रैशनल नंबर्स में क्या होते हैं? जो आपके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होते हैं, या फिर पी अपॉन क्यू जो होते हैं, ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, दोनों ही पॉजिटिव. एग्जांपल ले लेते हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर्स की, जैसे 5/3. 5 भी पॉजिटिव है एंड 3 भी पॉजिटिव है. फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं 11/19. 11 भी पॉजिटिव है एंड 19 भी पॉजिटिव है. फॉर एग्जाम्पल -12/-13, नेगेटिव साइन कैंसिल कर दीजिए, 12/13, ये भी आपका एक पॉजिटिव रैशनल नंबर हो जाएगा, राइट? उसके बाद बात करते हैं हम नेगेटिव रैशनल नंबर्स की. तो नेगेटिव रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? नेगेटिव रैशनल नंबर्स वो रैशनल नंबर्स होते हैं जिनमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स के ऑपोजिट साइन होते हैं. एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे -5/3, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो ये एज अ होल नेगेटिव रैशनल नंबर माना जाता है, राइट? एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं -7/15, राइट? या फिर आपका 13/-19. न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, अगर दोनों में से एक भी नंबर आपका नेगेटिव हुआ तो वो नंबर नेगेटिव ही कंसिडर किया जाता है. यहाँ दोनों जगह नेगेटिव साइन था, कैंसिल हो गए नेगेटिव साइन, तो एज अ होल ये पॉजिटिव हो गया. यहाँ दोनों ही पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव नंबर, राइट? तो रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन एक बार फिर देख लेते हैं. द नंबर्स इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में, जहाँ पी एंड क्यू इंटीजर्स होते हैं एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है. पॉजिटिव रैशनल नंबर्स में एन अपॉन डी, यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं कुछ. एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स में या तो न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर, दोनों में से अगर एक भी नेगेटिव हुआ तो वो एज अ होल नेगेटिव रैशनल नंबर कहलाता है.